बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पोर्न बिजनेस से बड़े खुलासे हुए हैं। कुछ चैट सामने आई है। इन चैट से पता चलता है कि उनके पास अपने इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का दूसरा रास्ता था, यानी कि प्लान बी। पोर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस हॉट शॉट्स ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे 2020 में पहले एप्पल और बाद में गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर बैन कर दिया था। इसका सीधा असर कुंद्रा की पोर्न कंटेंट से होने वाली कमाई पर हुआ, जिसके चलते उन्होंने प्लान बी के तहत नए ऐप बेलीफेम को तैयार कर लिया। कुंद्रा ने नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए काम कर रहे थे। उन्हें लगता था कि फ्यूचर में लाइव कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, इससे उनके पोर्न कंटेंट को तैयार करने में होने वाला खर्च कम हो जाता, जैसे होटल या किसी बंगले का किराया, दूसरा शूटिंग कैमरा या दूसरे इक्विपमेंट का खर्च। राज कुंद्रा चाहते थे कि नया ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसे डाउनलोड कर पाए। यदि ऐसा होगा तो उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब तक इस मामले में कैनरिन नाम की कंपनी वी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म और हॉटशॉट्स ऐप का नाम सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुंद्रा ने ब्रिटेन में रह रहे अपने भाई के साथ कैनरिन नामक कंपनी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया, ताकि भारत के साइबर लॉ से बचा जा सके। पॉर्न मूवी के वीडियो भारत में शूट किए गए थे और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें कैनरिन को भेजा गया। इन वीडियो को हॉटशॉट्स के साथ दूसरे ऐप पर सब्सक्रिप्शन के साथ बेचा गया। इस पूरी खबर के बीच अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने देश में पोर्नोग्राफी बैन कर रखी है, तो क्या इस तरह का कंटेंट देखा जा सकता है? सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ वेबसाइट ऐसे कंटेंट दिखाती है। इतना ही नहीं, कुछ ऐप्स या वेबसाइट की मदद से पोर्न कंटेंट डाउनलोड भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने देश में करीब 1300 पोर्न वेबसाइट को बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई यूज़र अपने फ़ोन में पोर्न कंटेंट को डाउनलोड कर सकता है। इसे लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उस कंटेंट को वो किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी के बिना शेयर करके दिखाता है, तब वो क्राइम माना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे राज कुंद्रा केस से जुड़े कुछ नई अपडेट के साथ।